बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं मनाली में टूरिस्टों को लूटा जाता है। अरे मोरको, तुम्हें ये दिख रहा है कि किस हिसाब से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है? तुम्हें तुम खुश हो रहे हो कि मई में स्नोफॉल हो रहा है? कुछ का तो ये भी कहना है कि जो 10 रुपए की मैगी जो 70 रुपए में बेच रहे हो उसकी वजह से भी जो मनाली में ये आपदा आई है। हिमाचल में जो तबाही देखने के लिए मिली वो तो मैंने ना तो आज तक सुनी ना ही मैंने आज तक अभी देखी। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर हमारे कुल्लू मनाली में हुआ। लगभग यहाँ पे 25 से 30 हजार टूरिस्ट यहाँ पर फंसे 4-5 दिनों में। ना ही यहाँ पे लाइट थी, ना ही यहाँ पे मोबाइल की नेटवर्क थी, और साथ ही में कुल्लू से मनाली की तरफ जाने वाला रोड पूरी तरह से बंद हो गया। तबाही ऐसी हुई कि इसको रिकवर करने के लिए मनाली को 3-4 महीने लग जाएंगे। मनाली की हालत के बाद रातों रात पर्यावरण प्रेमी जो पैदा हो गए, सभी लोग अपनी राय सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहे थे। कुछ बोल रहे थे कि बाहर के टूरिस्ट जो यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पे गन डाल रहे हैं, और कुछ बुद्धिजीवी भी बोलते हैं कि वेस्टर्न कल्चर जो मनाली को नुकसान पहुंचा रहा है। और कुछ लोगों का कहना है कि देवी देवताओं की भूमि पे हनीमून डेस्टिनेशन नहीं होनी चाहिए, और कुछ लोग तो मनाली में हुए डेवलपमेंट जो इसका मेन रीजन बता रहे हैं। कुछ का तो ये भी कहना है कि जो 10 रुपए की मैगी जो 70 रुपए में बेच रहे उसकी वजह से भी जो मनाली में ये आपदा आई है। जैसे कि माता डेमा ने 6 महीने पहले ही बोल दिया था कि अगर आप जो धर्म के रास्ते पर नहीं चलोगे तो व्यास नदी जो मेरे चरण स्पर्श करेगी। आखिर मनाली के लोकल लोग ऐसी क्या गलती कर जिसकी वजह से माता डेमा उनसे नाराज है? मैं आपके सामने दोनों धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूंगा और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आप बात करूंगा। पहली बार मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस वीडियो को आप पूरा देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करूंगा मैं धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। 5 में से 3 कैलाश हिमाचल में है, जिसमें कि एक कैलाश हमारे कुल्लू में है जो कि श्रीखंड महादेव के नाम से जाना जाता है। हमारे हर गांव में देवी देवता होते हैं, साथ ही में कुल देवी भी होती है जिससे वो पूछते हैं। अगर गांव में किसी को भी कोई भी समस्या हो तो वो अपने देवी देवताओं के पास जाते हैं और अपनी समस्याओं को वहां पर पूछते हैं। तो वैसे ही मनाली की कुल देवी माता हिडिंबा है। जैसा कि आपको पहले से ही पता है, माता हिडिंबा एक राक्षसी थी। फिर भीम के साथ शादी होने के बाद और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के कारण वो देवीकरण उनका हुआ। जहां पर उनका देवीकरण हुआ वो स्थान मनाली था। कहा जाता है माता हिडिंबा का पोता मनाली का पहला राजा बना। माता हिडिंबा ने 6 महीने पहले अपने गुरु के माध्यम से बोल दिया था कि अगर तुम धर्म के रास्ते पर नहीं चले तो मैं व्यास नदी को अपने चरणों तक ले आऊंगी। 9 जुलाई को मनाली में ऐसी तबाही देखने के लिए मिली जिससे कि लोगों को माता की भविष्यवाणी को सच लगने लगी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना अगर सच में माता के चरणों तक व्यास नदी आती तो आधे से ज्यादा मनाली पूरा खत्म हो जाता। आखिर माता ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे मेरे खुद के पर्सनल व्यूज है। आप इसे एग्री या फिर इसके एग्री आप कर सकती हो। आज मनाली एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। इंडिया में गोवा के बाद सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन मनाली ही है। बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं मनाली में टूरिस्टों को लूटा जाता है, चाहे वो होटल वाले हो या फिर टैक्सी वाले हो या फिर कोई भी एक्टिविटी वाले। हर किसी की कोशिश रहती है कि 100-200 रुपए एक्स्ट्रा कैसे ना कैसे करके टूरिस्ट निकाला जाए। मैं मनाली के लोकल लोगों की बातें नहीं कर रहा, मैं उन सभी लोगों की बातें कर रहा हूँ जो ये सब कुछ करते हैं। एक ठेले वाला 10 रुपए की मैगी 70 रुपए में बेच रहा है, तो अब कुछ लोग बोलेंगे वो गरीब है बेचारा, इसमें क्या हो गया? तो मैं उनको बता दूं, मनाली में जो ठेले वाले की इनकम है उनकी सोच से भी काफी ज्यादा ऊपर है। 10 रुपए की मैगी को 30 से 40 रुपए में बेचना ठीक है, लेकिन 60 से 70 बहुत ज्यादा है। तो अब लोग कुछ बोलेंगे कि रेस्टोरेंट वाले भी यही करते हैं, तो मैं उनको बता दूं रेस्टोरेंट वाले जो टैक्स देते हैं, साथ ही में उनको अपनी स्टाफ को भी सैलरी देनी होती है, साथ में रेंट भी देना होता है। रेस्टोरेंट वही जाएगा जिसकी जेब में पैसा हो और जिसको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन ठेले वाले के पास वही जाएंगे जो थोड़े से गरीब हो और जिसके पास थोड़ा सा बजट कम हो और वो मनाली घूमने के लिए आया हो। हर कोई बंदा रेस्टोरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, इसकी वजह से वो ठेले वाले के पास ही खाना खाते हैं। तो अगर एक ठेले वाला 10 रुपए की मैगी 70-70 रुपए में बेचने लगे तो यार जो गरीब लोग है वो कहाँ पे जाएंगे? जैसे ये कहावत है, हराम की कमाई हराम में ही जाती है। ऐसा भी नहीं कि सारी गलती जो वहाँ पे मनाली में सर्विसेज दे रहे हैं उनकी है, हमारे टूरिस्ट भी किसी से कोई कम नहीं है। मैं सभी टूरिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक टूरिस्ट है जो कि मनाली में बहुत ज़्यादा गंद डालते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बहुत सारे टूरिस्ट क्या करते हैं, जब भी वो कुछ खाते हैं तो जो भी उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको वैसे ही फेंक देते हैं, कोई गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसकी वजह से मनाली में काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है, और जैसे ही मनाली में फ्लड आया ब्यास नदी के अंदर जितना भी कूड़ा था वो सारा उसने किनारे के ऊपर फेंक दिया। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो यार वेस्ट मटेरियल आप कहीं भी हर कहीं ना फेंकें। सोशल मीडिया के जमाने में लोग मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, कोई मंदिर के पास रील बना रहा है, कोई मंदिर के सामने प्रपोज कर रहा है। इन्हीं सभी हरकतों की वजह से केदारनाथ में जो फोन बैन कर दिए हैं, अब कोई भी केदारनाथ में वीडियो नहीं बना पाएगा।
कुछ एक मंदिरों में तो ऐसी भी रूल बन रही है कि आप जो पूरे कपड़े के साथ ही आपको मंदिर में एंट्री मिलेगी, वो चाहे मेल हो या फिर फीमेल। कुछ लोग ऐसे कपड़े डाल के मंदिर पे के लिए आते हैं, उनको क्या ही बोलें। तुम लोग और जगह पे कोई भी कपड़े पहनो वो आपकी फ्रीडम है, लेकिन मंदिर में किसी भी मंदिर की बात, किसी भी रिलीजियस प्लेस में आप जो ऐसे कपड़े बिल्कुल ना डालें जिससे कि औरों को आपत्ति हो। कुछ लड़के लड़की इतना बेशरम होते हैं कि वो मंदिर में भी रील्स बनाने लग जाते हैं। आधे से ज्यादा यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर आते ही वीडियो के लिए, तो ये सब जो वहाँ पे मंदिरों में ये सब बैन होना चाहिए। आपका जो कल्चर आप वो करें, लेकिन ये देवभूमि है, आपको यहाँ पे हमारे कल्चर के हिसाब से चढ़ना होगा। इसके अलावा बहुत सारे रीजन है, अगर मैं एक एक करके बताने लग गया तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए माता ने कहा कि धर्म के रास्ते पर चलो, नहीं तो हिमाचल भी अगला उत्तराखंड बन जाएगा। तो ये था डिवोशनल पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूंगा। हम इंसानों की एक बीमारी हमारा कभी भी पूरा नहीं होता, यही सब जो मनाली में देखने के लिए मिल रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे जो पूरा का पूरा जंगल खत्म कर दिया सरकार, अगर परमिशन देती है लोग तो नदी के ऊपर भी कब्जा कर दें। मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं, डेवलपमेंट होनी चाहिए लेकिन नेचर को भी बचाना जरूरी है। लोगों ने मनाली में ब्यास नदी के किनारे पे एक घर बना दिया, जिसकी जो जगह होती है वो तो वापस लेके ही रहता है। ब्यास नदी और पार्वती नदी ने भी वही किया, जो उनका था वो उन्होंने वापस ले लिया। मनाली में इन्वायरमेंट चेंज काफी ज्यादा हो रहा है। फरवरी में मई वाली गर्मी पड़ रही है और मई में मनाली में काफी ज्यादा स्नोफॉल देखने के लिए मिला। मनाली के लोग जो भी किसी टूरिज्म या बिजनेस में शामिल है वो खुश हो रहे हैं कि अब जो मनाली में मई में भी स्नोफॉल हो रहा है तो अब जो टूरिस्ट आएंगे। अरे मोरको, तुम्हें ये दिख रहा है कि किस हिसाब से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है? तुम खुश हो रहे हो कि मई में स्नोफॉल हो रहा है तो और ज्यादा टूरिस्ट जो मनाली के लिए घूमने के लिए आएंगे। विकास के नाम पे तुमने पूरा का पूरा जंगल खत्म कर दिया, साथ ही में नदी नालों के रास्ते को डाइवर्ट कर दिया और वहाँ पे तुमने अपने घर बना दिए। पहाड़ों में एक डंगे के भरोसे 6-6 मंजिल के घर बना दिए, डंगे के भरोसे पूरी बिल्डिंग टिकी, अगर डंगा गया तो ये देखने के लिए मिलता है। लास्ट में तो यही बोलूंगा, नेचर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो यही देखने के लिए मिलेगा। अगर अभी भी टाइम से नहीं सुधरे तो हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं खुद चाहता हूँ कि मनाली इंडिया का नंबर वन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, लेकिन नेचर के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना हो। अगर नेचर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो नेचर भी आपको बाउंस बैक जरूर करेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा भविष्य में ऐसी स्थिति फिर से पैदा ना हो, इसलिए टाइम से आदतें सुधारो। तो आज की इस वीडियो में बस इतनी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें या फिर नीचे कमेंट करके मुझसे पूछें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।